जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको कई ऐसे वीडियो दिए हैं जिसमें मैंने 2023 को लेकर के बहुत विशेष बात आप लोगों के सामने रखी है। और 2023 के साल में सबसे बड़ा जो इवेंट है वो यही है कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव बहुत नेगेटिव हम लोगों पर पड़ेगा। और इसका पीक भी मैंने आप लोगों को बताया है कि लगभग 27 मई के आसपास, जब 8 डिग्री के लगभग बृहस्पति और राहु होंगे, तब ये अपने पीक पर होगा इस योग का प्रभाव। हालांकि कर्नाटक के चुनाव परिणाम उसके बाद आएंगे, लेकिन समय वही रहेगा, उसी कालखंड के अंदर कर्नाटक के चुनाव भी होंगे और उसके संदर्भ में मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया है। लेकिन हम आम इंसान क्या करें, हम इस प्रभाव से कैसे बचे, हम पर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे। अब हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञान रखता नहीं है, तो एक साधारण शब्दों में मैं आपको आज इस वीडियो में वो बात बता रहा हूं जिसे आप आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए, आपको किसी भी तरह के कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर कुंडली के अंदर कोई बहुत ज्यादा अनिष्टकारक योग बन भी रहा होगा तो बहुत छोटे से नेगेटिव परिणाम ही आपको मिलेंगे, बाकी चीजें बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगी। दर्शकों, सबसे पहले इस 2023 के साल में आपको अपने आप को आस्तिक जरूर रखना है, यानी ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा, उस पर विश्वास आपको बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां फिर कितनी ही विकट आपकी जिंदगी में क्यों ना हो। क्योंकि जो इस समय पर ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होगा, दैवीय शक्तियों के आवाहन के साथ जुड़ा होगा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने अपने हाथ में ली है। और दूसरी बात, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली के आधार पर ही निर्णय लीजिए कि इस समय पर आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेशक आपका समय सही ही क्यों ना चल रहा हो। क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव का मतलब ये होता है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा निर्णय कर बैठते हैं जिसके परिणाम हमें पूरे जीवन या काफी लंबे समय तक भोगने को मिलते हैं। मान लीजिए इस समय पर कोई व्यक्ति आपका बहुत ही प्यारा व्यक्ति है, मिलने वाला है, आपका बहुत अजीज है, बहुत अच्छा दोस्त है, रिश्तेदार है, एक्स वाई जेड कोई भी है, उसने कहा बहुत परेशानी में हूं, मुझे मदद की आवश्यकता है, और आपने बियॉन्ड द लिमिट जाकर के उसकी मदद कर दी, ये सोच करके कि यार ये तो मेरा अपना है। और मान लीजिए वो किसी मुसीबत में आ गया तो आप तकलीफ में जरूर आ जाए। या मान लीजिए आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, अरे ये तो मेरा अपना है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और फिर यदि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं और बाद में पता लगा कि उसके साथ भी विश्वासघात हुआ और उसके कारण से और आप भी उस लपेटे में आ गए हैं, तो समझ लीजिए आपका क्या होगा। फिर आप यही सोचेंगे काश उस समय पर मैं ये ना करता। इसीलिए पर्टिकुलर गुरु चांडाल योग का जब भी समय आता है हमें अपने हर निर्णय को बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, जीरो रिस्क के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कुछ होगा भी तो वो मेरी कैपेसिटी के अंदर है, उसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इस लिमिट से आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी लिमिट है, यहां तक अगर कुछ होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर ही आपको इस समय पर मई माह तक रहना चाहिए। और जिंदगी का अगर कोई बड़ा निर्णय हो रहा है तो ज्योतिषीय परामर्श जरूर ले लेना इन दो महीनों के लिए कि कहीं आप कुछ बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर आपका भविष्य अंधकार में डाल दे। इसलिए दर्शकों, पर्टिकुलर दो महीने का समय आपको बहुत ही शांति के साथ, सादगी के साथ और बहुत ही
संयमित तरीके से बिताने हैं। इन 2 महीने के पश्चात यानी मई माह जब खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात इस गुरु चांडाल योग के प्रभाव धीरे 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 कम होना शुरू होंगे और अक्टूबर माह तक वैसे तो ये गुरु चांडाल योग रहेगा, अर्थात इस समय पर अक्टूबर माह तक जितने भी लोग पैदा होंगे अभी 22 अप्रैल के बाद से, उन सभी की कुंडलियों में गुरु चांडाल योग स्थायी तौर पर होगा और वो जातक अपने अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे वो बड़े होंगे, युवा होंगे, उन्हें अपनी महादशा या अंतरदशा के आधार पर जीवन में वो सब परिणाम देखने को मिलेंगे जो इस गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण से बनेंगे। कुछ लोगों को विशेष योग्यता भी मिलेगी तो कुछ लोग भविष्य में मूर्खताएं भी अवश्य करेंगे। इसलिए दर्शकों, योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेगा, इसीलिए इस समय पर आपको भी अपना ध्यान जरूर रखना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।